कंप्यूटर ठीक तो है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। मैं एक बार मगर वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा है शायद। कोड चलिए कर रहा स्टार्ट। सर। हाँ ठीक है सर। रिकॉर्ड कर रहा है, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा आप लोगों को? यस सर। तो कल का जो जो था मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कल का क्या क्या पढ़े थे हम लोग, एक बार थोड़े देख लेते हैं। अरे अरे पार्टिसिपेंट्स आते ही रहते हैं, और आना है क्या? अभी रुक जाते हैं थोड़ा। ठीक है स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इमेज प्रोसेसिंग? व्हाट इज इमेज प्रोसेसिंग में इसमें लिखा है, आप लोगों को पता ही होगा इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है। मैंने बताया था, प्रोसेस डिजिटल इमेज बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर। इट कवर्स लो, मीडियम एंड हाई लेवल ऑफ प्रोसेस, है ना। ये लो क्या होता है, मीडियम क्या होता है, और हाई लेवल ऑफ प्रोसेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। लो लेवल मतलब कि इसमें इनपुट आउटपुट इमेज इन्वॉल्व होगा, और मिड लेवल दैट मीन्स आउटपुट आर द एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनपुट इमेज। सपोज करो आपको अगर किसी इमेज से कुछ एट्रीब्यूट निकालना है, वहां से सैटेलाइट इमेज है आपके पास, और वहां से आपको ये चेक करना है कि इसमें क्या क्या कुछ मतलब कि सपोज करो वेजिटेशन करना है, तो कुछ अगर वहां से फीचर एक्सट्रैक्शन जो बोलते हैं ना, वो है मिड लेवल। एंड हाई लेवल इज एन इनेबल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना है ना, वो होगा आपका हाई लेवल ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। ये तीन चीज समझ में आया, लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल। डिजिटल इमेज क्या होता है? टू डायमेंशनल इमेज इज कॉल्ड डिजिटल इमेज, है ना। इसमें टू डायमेंशनल की बात की हुई है, तो एफ ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ इमेज हैविंग टू डायमेंशन एक्स एंड वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इज अ टू डायमेंशनल इमेज फंक्शन, और ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स वाई। एक्स एंड वाई आर द स्पेशल कोऑर्डिनेट। स्पेशल कोऑर्डिनेट दैट मीन्स क्या होता है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो स्पेस में है ना, स्पेस में। जैसे कि दो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहीं पे। जैसे ये इस साइड पे हुआ, ये मान लो यहाँ पे हुआ, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया और दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया, है ना। यहाँ पे लेंथ लेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर सपोज करो ये जीरो है, अरे यार किसी का ऑडियो ऑन हो गया है क्या? ऑडियो बंद किया करो आप लोग अपना, जब क्वेश्चन वेश्चन पूछना रहता है तब भले स्टार्ट कर दो, ऐसे टाइम में ना मेरे को रिवर्ब हो जाता है आप लोग का आवाज। जीरो, यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट जीरो है, तो जीरो से इस राइट साइड में इंक्रीज होगा। सपोज करो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये नीचे वाला वाई कोऑर्डिनेट है ना। तो ये दो कोऑर्डिनेट हो गया, तो इस तरफ जो इंक्रीज होगा वो लेंथ में इंक्रीज होगी, और इधर भी जो लेंथ में इंक्रीज होगा उसको बोलेंगे स्पेशल कोऑर्डिनेट। टाइम यहाँ पे फंक्शन नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है आपका लेंथ, डिस्टेंस फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलोगे आप स्पेशियल कोऑर्डिनेट। स्पेशियल कोऑर्डिनेट मतलब कि यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा आपके पास, इंच में होगा, है ना। इंच इंच या फिर थोड़ा और कम ले लो, सेंटीमीटर ले लो, इससे इंच या फिर सेंटीमीटर जो भी ले सकते हैं। एक्स वाई आर द स्पेशियल कोऑर्डिनेट। द एम्पलीट्यूड ऑफ एफ इज कॉल्ड इंटेंसिटी और ग्रे लेवल एट द पॉइंट एक्स वाई। जो भी इसका एम्पलीट्यूड होगा, कोई वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड मतलब कि कोई वैल्यू होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटेंसिटी और ग्रे लेवल। क्या उसका लेवल, ग्रे लेवल कितना है, उसको बोलेंगे ग्रे लेवल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और पिक्सल्स, पिक्सल की डेफिनेशन है द एलिमेंट ऑफ डिजिटल इमेज, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ डिजिटल इमेज कॉल्ड पिक्सल। कौन है भाई गाना वाना बजा रहा है यार, बंद करो थोड़ा भाई। तो
अरे कौन कर रहा है यार, ऑडियो बंद करो ना भाई। कौन कर रहा था यार ये सब, ऐसा मत किया करो ना यार, आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ो। मुझे यहाँ पे इतना पता नहीं चल पाता है, अभी मैं भी इसमें नया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। या तो पता चल जाएगा, हाँ लग रहा है जानबूझ के किया होगा, पता तो चल जाए एक बार पूरा। नहीं यार ऐसा, मतलब आदमी चैन से पढ़ाने भी नहीं देते हैं लोग, और मेरे को कोई थोड़ी ना एक्स्ट्रा इनकम है यार, पढ़ा रहा हूँ मैंने तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्या दिक्कत है। ये लोग कोरोना है सर, दिमाग खराब सर। तो आप वहां पे चेक कर लीजिए, कोई बंटी था उसका था, कोई बंटी सर, नाम एट द टाइम ऑफ सॉन्ग आप चेक कर लीजिए किसका माइक वहां पे ऑन है, जिसका माइक ऑन होगा उसके। अरे यार देख क्या होता है, देखो क्या होता है, 30 पार्टिसिपेंट्स हैं यहां पे और मैं कितने को चेक करते रहूंगा, मेरे को भी तो टाइम लगता है ना इसमें, ऐसा कुछ सर। कोई बंटी था सर, बंटी का आवाज, कोई बंटी का स्पीकर ऑन था उसी का। यस सर, चलिए हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, अगर बंटी को आप ऑफ कर देंगे, हो सकता है उसे गलती से हुआ होगा, मगर ये तो जानबूझ के लग रहा है। बंटी नाम का कोई तो है यहाँ पे, रियल आईडी भी सर नहीं है, फेक है। फेक है सर, स्पीकर का आवाज उसी का ऑन था सर, और बाकी लोग का ऑफ था, साउंड भी उसी से आ रहा। बंटी का सर आप उसको निकाल नहीं सकते हैं? मैं रिमूव कर रहा हूँ उसको। हाँ चलिए अब आप लोग इसके अपना माइक ऑफ, रियल नेम से उसको रिमूव कर दे। सही बात है, रियल नेम से नहीं है इन लोगों को, मैं रिमूव करूंगा नेक्स्ट टाइम से, मैं ध्यान रखूंगा। कई लोग को आइडिया भी नहीं है ना, कई लोग मोबाइल के नाम से भी है, हो सकता है जेन्युइन हो तो मोबाइल के नाम से ना, कई लोग को आइडिया नहीं है, ये भी बात है ना, उसको भी तो देखना पड़ेगा, उतना सबको नहीं मालूम रहता है यार। ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं कहाँ पे था आप लोगों का, कि कहाँ थे हम लोग, हाँ डिजिटल इमेज की बात कर रहे थे। तो डिजिटल इमेज एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स एक्स वाई का जो इंटेंसिटी लेवल होगा उसको हम बोलेंगे इसकी एम्पलीट्यूड, एफ ऑफ एक्स वाई इमेज की एम्पलीट्यूड है ना। इमेज इमेज का जो पिक्सल्स होता है ना, पिक्सल्स के बारे में हम लोग बताए थे, जो स्मॉलेस्ट ग्रिड का एलिमेंट रहता है उसको पिक्सल बोलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या डिनोट कर रहा है आपका, कोई भी पॉइंट पिक्सल, कोई भी पिक्सल्स उसको डिनोट कर रहा है आपका एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार बताना मेरे को। एम्पलीट्यूड ऑफ एफ का मीनिंग क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ एफ जो मैं कल बताया था ना, एम्पलीट्यूड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई दो चीज से मिलकर बना होता है, एक आई दूसरा आर है ना। आई इल्यूमिनेशन होता है और आर जो होता है आपका वो रिफ्लेक्शन होता है, और टोटल इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी और ग्रे लेवल। ठीक है, आई मल्टीप्लाई विथ आर इज कॉल्ड इंटेंसिटी और ग्रे लेवल ऑफ पॉइंट एक्स वाई। आगे देखेंगे हम क्या है इसका, इसी में दिया होगा आगे। एक मिनट थोड़ा सा मैं और आगे जाता हूँ इसमें। इसके बारे में दिया है, हाँ ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड आई मल्टीप्लाई विथ आर है ना। एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ एक्स वाई, आई इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन एट अ पॉइंट ऑफ एक्स वाई, एंड आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटिविटी एट द पॉइंट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसका रेंज भी दिया हुआ है, देखिए आई का जो रेंज होता है वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है, और रिफ्लेक्शन का रेंज होता है जीरो से लेके वन तक।
कोई अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो वैल्यू होगी आर के जीरो. अगर सारा लाइट रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, कोई भी स्टोर नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स अगर वो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, रिफ्लेक्टिविटी उसकी होगी हाई वन. ठीक है ना, ये मैं कल करवाया था, ये कल देखे थे हम लोग इसको आई और आर के बारे में. फिर भी से अभी और है, मैं रिविजन ही करा रहा हूँ डायरेक्टली. ठीक है, तो स्टार्टिंग से चलते हैं. यहाँ पे थे हम लोग, ओरिजिन ऑफ अ इमेज, कहाँ से इस इमेज प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ. तो ये पिक्चर है आपका, 1921 में प्रोसेस्ड हुआ था ये पिक्चर, फ्रॉम डिकोडेड टेप्स बाय द टेलीग्राफ प्रिंटर विद अ स्पेशल टाइप ऑफ फेसेस. थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में दिया है इसमें, कहाँ कहाँ से हुआ था. नेक्स्ट, सेंड बाय द सबमरीन केबल बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क, द ट्रांसपोर्टेशन टाइम्स वॉज रिड्यूस टू लेस देन 3 hours from the more than a week. है ना, 1921 में, that means first world war के time पे हुआ था ये, है ना. तो उस time पे इतना ही बहुत मायने रखता था कि लंदन से लेके न्यूयॉर्क में आपको पिक्चर आप सेंड कर रहे हो by using transmission cable. Next slide, next. इसके बाद फिर ये हो गया the first picture of US. US में जो एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट भेजा था उसके है ये 1964 के, है ना, 1964 लूनर सरफेस का एक इमेज है. लूनर दैट मीन्स मून के सरफेस का इमेज है बाई नासा. ठीक है, सोर्स ऑफ इमेज है आपके पास, कहाँ कहाँ से आप इमेज ले सकते हो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम, एकॉस्टिक, अल्ट्रासोनिक और इलेक्ट्रॉनिक सिंथेटिक इमेज प्रोसेस बाई कंप्यूटर, है ना. सो ये सारे सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से आप इमेज ले सकते हैं. अब ये सब थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये सब पता भी होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम है ना, ये रेंज है आपका फ्रीक्वेंसी का, कि कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है. ये स्पेक्ट्रम का रेंज दिया है, दैट मीन्स ये वेवलेंथ का रेंज है, इसका अपोजिट करोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाता है ना. C इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, C इज इक्वल टू velocity of light, f is a frequency, lambda is a wavelength. तो वहां से आप निकाल सकेंगे frequency. So that means अगर radio wave right side में denote कर रहा है और gamma wave left side में denote कर रहा है, radio wave की amplitude, wavelength बहुत कम है और gamma wave की amplitude, क्या बोलते हैं, wavelength बहुत ज्यादा है. तो जिसकी wavelength कम होगी उसकी frequency ज्यादा होगी. जिसकी वेवलेंथ कम होगी, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी. गामा रेस की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, है ना. मेजर यूजेस हैं आपके एक्सरे में, अल्ट्रा वायलेट का कहाँ कहाँ यूज है, विजिबल एंड इंफ्रारेड बैंड्स का कहाँ कहाँ यूज है, माइक्रोवेव बैंड्स का कहाँ यूज है. आपका रेडार में ज्यादातर यूज होता है माइक्रोवेव रेंज, रेडियो बैंड मेडिकल एंड MRI में यूज होता है, है ना. तो एक बार आप एक्सरे इसी कारण बोलते हैं कि कम होना चाहिए, क्योंकि इससे इसका जो आपका पेनेट्रेशन बहुत हाई रहता है, पेनेट्रेशन लेवल बोलते हैं उसको, बहुत हाई रहता है एक्सरे का, गामा रेज का. कौन पेन भी चलाते रहता है बताइए, चुपचाप बैठ नहीं सकते. ठीक है, आगे देखते हैं. अच्छा, पेन मैं ही ले लिया होंगे. ये एग्जाम्पल ऑफ गामा रेस इमेजिंग है, गामा रेस से जो इमेजिंग किए हैं उसका एक एग्जाम्पल है आपका बोन स्कैन है, है ना. दिख रहा होगा आपको कि सारा बोन का स्कल्चर कैसे कैसे ये सब दिख रहा है, कहाँ कहाँ पे आपका हर बोन ब्रेक है वो भी दिख रहा है यहाँ से. तब ये तो हम लोग को नहीं समझ में आएगा, जो डॉक्टर जिन लोग पढ़े होंगे उनको ज़्यादा समझ में आता होगा कि क्या क्या है यहाँ पे. एक्सरे इमेजिंग है यहाँ पे, एक्सरे इमेजिंग इज मोर क्लियरर देन गामा इमेजिंग, है ना. एक्सरे में ज्यादा आपको अच्छे से पता चल रहा है. इसको देखो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स डिजाइन के लिए भी यूज करते हैं एक्सरे को, ये चिप के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, ये ब्रेन का है एक्सरे हेड का, वैसे ही टाइप का अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग है. अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग
लाइट माइक्रोस्कोपी इमेजिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इमेजिंग है, विजुअल एंड इंफ्रारेड इमेजिंग है ना, ये सैटेलाइट इमेज की, सैटेलाइट इमेज जो होता है उसका एक है, सैटेलाइट इमेज लिए हुए हैं यहाँ पे, विजुअल एंड इंफ्रारेड इमेज, तो इंफ्रारेड लाइट्स और या विजुअल विजुअल लाइट्स का यहाँ पे यूज करके इमेजिंग का यहाँ पे कैमरा से लिया गया है। तो ये कुछ रेंज है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, खाली देख लो ऐसे ही थोड़ा सा समझो। USA 1993, ये USA 1993 का है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस लग रहा है आपको बताइए थोड़ा सा। हाँ सर, इंट्रोडक्शन में से सर एग्जाम में पूछा क्या जाएगा? कुछ नहीं, बस पूछा जाता है। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो सबसे भी इंटरेस्ट लाने के लिए पढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, जो जो कल मैं पढ़ाया था उतना इम्पोर्टेंट है, बट अभी थोड़ा सा रिवाइज कराना है और थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा आप लोगों की इमेज प्रोसेसिंग में, इसलिए मैं करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहा है थोड़ा बताना मेरे को। 1993 की पिक देखिए और 2003 की पिक देखिए, आपको ऐसा लग रहा है क्या डेंसिटी इंक्रीज हो रही है? डेंसिटी इंक्रीज हो रही है लग रहा है क्या? लग रहा है ना, लाइट बढ़ रहा है, लाइट बढ़ रहा है, मतलब कि वो कौन सा एरिया होगा जहाँ पे लाइट बढ़ रहा है? लाइट बढ़ रहा है ना, है ना, लाइट बढ़ रहा है, दैट मींस वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा होगा वहां पे, अगर पहले लोग नहीं रहते थे उसके बाद फिर लोग रहना स्टार्ट कर दिए होंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना। ये कोई रात के समय खींचा गया ऐसा नहीं है ना, ऐसा दिमाग में मत लगाना कि रात के समय खींचा गया है वो लाइट है, वो लाइट लाइट वगैरह नहीं है, एक्चुअली वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो वहां पे घर वगैरह बन रहे होंगे तो वेजिटेशन लॉस हो रहा होगा, इसलिए वहां पे इस तरह से आपको बेयर बेयर एरिया का फोटो दिया हुआ है, बेयर एरिया इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हमारे हिमालयाज और उस वाले रीजन पे भी बहुत इसका एनालिसिस चल रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है और उत्तराखंड वाला जो रीजन है वहां पे भी ड्रैप्टिकली इंक्रीज हो रहा है हम लोगों का पॉपुलेशन, तो ये सब उसके लिए यूज होता है। इंफ्रारेड सैटेलाइट इमेजिंग ये वर्ल्ड का है, देखिए आप लोग शायद ये पहले का होगा, इसमें दिख नहीं रहा स्लाइड में कि कहाँ पे ये एक्चुअली चेंजेस दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे पहले पॉपुलेशन कम था उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। चाइना का पॉपुलेशन कम दिख रहा है सर, चाइना का पॉपुलेशन कम दिख रहा है, चाइना में तो इंडिया का इंडिया में तो सही है ना, बात किया पॉपुलेशन से, चाइना में लग रहा है सर, डाटा नहीं दिया है क्या इसने फिर से डाटा कोरोना की तरह छुप गया, हो सकता है चाइना में, इंडिया 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 कहीं ना कहीं तो आगे होगा ना सर, देखिए ना इंडिया को मस्त लग रहा है इंडिया का सेंसरशिप, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटेड विजुअल इंस्पेक्ट्स, ये थोड़ा एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स वगैरह के लिए यूज होता है कि कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे गुड्स वगैरह, सर्किट थोड़ा सा इन लोग मैं स्लाइड्स दे दूंगा आप लोगों को देखना, इसमें समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है ना, जैसे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहे थे ना वो, ये हो सकता है सम एडिशनल एग्जाम्पल ऑफ इमेज प्रोसेसिंग इन विजुअल, जैसे थंब प्रिंट कहाँ पे है आपका पेपर या यहाँ पे ये नंबर है इसको इसको आइडेंटिफाई करना है। आजकल मेडिकल इमेजिंग वाला आजकल सिस्टम आपके ट्रैफिक लाइट्स में भी यूज, ट्रैफिक एरिया में भी यूज होता है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले लोग एक कैमरा होता है जिससे नंबर समझ में आ जाता है गाड़ी का, तो वो सब मेडिक इमेजिंग का ही पार्ट है, ये विजुअल इम्पैक्ट्स इंस्पेक्शंस है। रिजल्ट ऑफ ऑटोमेटिक रीडिंग ऑफ द प्लेट कंटेंट बाय द सिस्टम द एरिया इन विच इमेजिंग सिस्टम डिटेक्टेड द प्लेट, तो ये वाला एरिया में डिटेक्ट करना है इसको, इसको मालूम है कि यहाँ पे डिटेक्शन डिटेक्शन लगाना है तो यहीं पे डिटेक्शन लगाते हैं वो लोग, इस टाइप का कैमरा रहता है तो ये सारा नंबर वगैरह वो ले लेते हैं। ये रेडार का इमेज है, रेडार रेडार क्या होता है किसी को पढ़ा है कोई? साउथ ईस्ट तिब्बत का एक इमेज है, माउंटेन्स इन साउथ ईस्ट तिब्बत, रेडार का टेक्नोलॉजी किसी को मालूम है? डेप्थ की यूज करने के लिए पता करते हैं। रडार एक सपोज करो एक एंटीना है मेरे पास, ये एंटीना है, ओके, अब ये एंटीना है ये सिग्नल स्प्रेड कर रहा है, ये एंटीना है और ये सिग्नल इधर उधर भेज रहा है, अब ये सिग्नल जो भेज रहा है वो सिग्नल कहीं ना कहीं टकराएगा,
ये सिग्नल भेज रहा है, मान लो ये सिग्नल इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई माउंटेन है, कोई बॉडी है यहाँ पे, तो वो उस बॉडी से टकरा के यहाँ पे इस तरह से कोई माउंटेन वगैरह में बना देता हूँ। ये माउंटेन है, तो ये माउंटेन से टकरा के इधर आएगा, ये जो ये सिग्नल है ये माउंटेन से टकराएगा, फिर से रिफ्लेक्ट होगा, ये सिग्नल वैसे ही माउंटेन से टकराएगा फिर रिफ्लेक्ट होगा, तो एक इमेज बन जाती है वो सिग्नल। ये एंटीना के पास फिर से सिग्नल जाता है, अब वो जो सिग्नल जो जा रहे हैं उसके थ्रू एक इमेज बन जाती है, तो उसको बोलते हैं रडार इमेजिंग, और उस इमेज को बोलोगे आप रडार इमेजिंग, मतलब एक सिग्नल से एक ट्रेवल करके जाएगा और फिर उससे रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो उससे एक इमेजिंग बनेगी, उसको बोलेंगे रडार इमेजिंग, ठीक है। तिब्बत का है ये, मतलब यहाँ पे हिमालयन रेंज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा आपका माउंटेन्स तो दिख ही रहा है यहाँ पे ना, माउंटेन्स इन साउथ ईस्ट पर, ठीक है। एमआरआई इमेज क्या होता है, एमआरआई इमेज में देखिए यहाँ पे ये एक मतलब ये बोन्स है, दो बोन्स है, ऐसा है लेग का इमेज है ना, नी वाला पार्ट है, एक अपर 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 बोन है, एक लोअर बोन है, एक लोअर है ना, तो इन दोनों के बीच में एक जॉइंट होता है, उसका एक इमेजिंग हुआ है। कई लोग को नी पेन की शिकायत रहती है ना, नी पेन, तो वो लोग एमआरआई वगैरह करवाते हैं नीस का, तो उससे पता चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है स्पाइन का। ठीक है, यहाँ पे थे। नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शन इज अबाउट सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव क्या होता है, सेस्मिक वेव कभी आप जो पढ़े होगा, भूकंप वगैरह आता है तो कितना सेस्मिक है उस टाइप का रहता है ना, तो ये अर्थक्वेक के समय जो वेव्स आती है अर्थ में, उसका एक है ये इमेजिंग का फोटो। आवाज आ रही है सबको, इंटरनेट डिस्कनेक्टेड, हाँ आ रही है ना, ठीक है। सेस्मिक मॉडल है यहाँ पे, द एरो पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑयल एंड गैसेस के, है ना, ये हाइड्रोकार्बन्स के हैं, ऑयल एंड गैसेस के, ऐसे ही आपके जो वेव्स आते हैं सेस्मिक, जैसे थोड़ा सा वेव आपका आएगा, कैसे होता है आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बताना मेरे को, अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, सपोज करो एक प्लेट्स टकराते हैं जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं, जैसे कि ये प्लेट है ना, और ये इधर यहीं पे है, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो ये प्लेट्स टकराएंगे, तो ऑब्वियसली एक वेव जनरेट होगी, उस वेव को हम लोग क्यों है बोलेंगे, दिस थिंग, अरे 10 मिनट में एंड अपग्रेड, तो दिस ये इसको क्या बोलेंगे आप, सेस्मिक, सेस्मिक है ना, अल्ट्रासाउंड इमेज है ना, ये बेबीज जो आपके स्टेप बेबीज रहते हैं ना, उन लोगों का मतलब कि वोम का वोम जो वुमेन वोम का जो रहता है उसका एक है पिक्चर अल्ट्रासाउंड, अब तो खैर नहीं कराना रहता है ऐसा, है ना, ये कल डिस्कस किए थे हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट है आपका इमेज एक्विजिशन, पहले इमेज एक्वायर करोगे, देन इमेज फिल्टरिंग एंड एनहांसमेंट, इसमें क्या होगा, रिजल्ट इज मोर सुटेबल देन द ओरिजिनल, थोड़ा सा फिल्टर करोगे, नॉइस वॉइस वगैरह रिमूव करना है, देन उसके बाद होगा इम्प्रूविंग द अपीयरेंस, इमेज रेस्टोरेशन करोगे, नेक्स्ट होगा आपका कलर इमेज, इमेज प्रोसेसिंग, ये एक्चुअली स्टेप नहीं है, कहीं से भी आप जा सकते हो, ये चैप्टर के बारे में दिया है कि कैसे कैसे ये चैप्टर दिया है, जैसे जो गोंजालिस का है ये जो पीडीएफ है, ये गोंजालिस से ही लिया गया है ये फिगर, तो उसका चैप्टर्स के नाम लिखे इसने, एक्सट्रैक्टिंग इमेज कंपोनेंट्स, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, देन आपका सेगमेंटेशन होता है, अगर इमेज को कई पार्ट में डिवाइड करके एनालिसिस करना है उसको बोलेंगे सेगमेंटेशन, रिप्रेजेंटिंग इमेज ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, है ना, तो ये हो गया आपका पूरा ब्लॉक डायग्राम, ये कल किया था हमने,
ये एनर्जी ऑफ फोटोन ये सब कोई मतलब नहीं है, सब फिजिक्स का बात है, लोगों को क्या करना है इसमें से। इसमें से यही बताया कि विजुअल स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक रहता है, है ना। विजुअल स्पेक्ट्रम का लेंस रेंज जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। अल्ट्रा वायलेट, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इंफ्रारेड, ये सब विजुअल स्पेक्ट्रम है। एक्सरे, एक्सरे, गामा रेज, ये सब नहीं। तो विजुअल स्पेक्ट्रम यहीं से लेके यहीं तक, मतलब 4.4 ये जो रेंज दिख रहा है आपको यही वाला है। नहीं, ये सब कोई काम को नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं नहीं कराया हूँ, आप लोगों को पढ़ना होगा तो एक बार गोंजालेस में जाके पढ़ सकते हो। ये मैं क्लास में भी नहीं कराया था, ये सब थ्योरी पार्ट है कि कैसे करना है, सेंसर से यूज करके कैसे इमेज एक्वायर करना है, एक्विजिशन कैसे करना है, ये आप पढ़ सकते हो। खाली थ्योरी है, ऐसा कैमरा कैसे बनता है उसके बारे में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैंपल इमेज फॉर्मेशन मॉडल, इमेज कैसे फॉर्म होता है आपका। एफ ऑफ एक्स वाई है ना, एफ ऑफ एक्स वाई कहाँ होगा, पिक्सल्स का कोई एक वैल्यू है, तो पिक्सल्स का वैल्यू किससे होता है, आई ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई विथ आर ऑफ एक्स वाई। आई इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट एंड आई इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक, इंटेंसिटी द अमाउंट ऑफ सोर्स इल्यूमिनेशन इंसिडेंट ऑन द सीन एंड आर इज रिफ्लेक्शन। तो इसका रेंज दिया हुआ है, ये डिस्कस कर लिया हम लोग। आई का रेंज होता है 0 से ∞, आर का रेंज होता है 0 to 1। इल्यूमिनेशन ल्यूमेन होती है इसकी यूनिट। ठीक है, ये सब तो हो जाएगा। जैसे स्नो के लिए सबसे हाई रिफ्लेक्शन होता है तो 0.93 इसकी वैल्यू है। अब ब्लैक में क्या होता है, सबसे लो रिफ्लेक्शन होता है तो 0.01 इसकी है। पूरा पूरा अगर वेव, पूरा पूरा लाइट जाके रिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना। जैसे स्नो का जो होता है उसमें 1 होता है अप्रोक्सीमेटली। ये हम लोग जनरेटिंग द डिजिटल इमेज कैसे जनरेट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक इमेज है इस टाइप का, है ना, ये पूरा इमेज दिया हुआ है, कंटिन्यूस इमेज बोल रहे हैं, कहीं से ये ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूस इमेज है। अब कोई भी एक लाइन ले लीजिए, स्कैन लाइन फ्रॉम A to B, ए टू बी से स्कैन किया, उसके बाद क्या किया, इन अ कंटिन्यूस इमेज यूज टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। जो मैंने कल बोला था सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, उसका यहाँ पे यूज होगा, तो उसके उसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे डिजिटाइज होगा। तो ए से लेके बी तक देखिए, सबसे पहले सैम्पलिंग किया, सैम्पलिंग मतलब वो ए से लेके बी तक उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है डिफरेंट 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 पॉइंट्स पे, और उसको फिर कट करके क्वांटाइज कर रहा है। क्वांटाइज दैट मीन्स उसको लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि कितना कितना लेवल्स होगा, 0 से 256 तक लेवल्स आप दे सकते हैं, कितना कितना लेवल्स। लेवल्स दैट मीन्स आपको इसकी वैल्यू असाइन करनी है सबको। कैसे वैल्यू असाइन करनी, रैंडम तो करनी नहीं है, एक इल्यूमिनेशन और दूसरा रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज असाइन करनी है। ठीक है, तो ये सारा पार्ट आपका ना कंप्यूटर ही करता है कि कैसे वैल्यू असाइन करनी है, फिर उसको फिर से रिक्रिएट कैसे करना है। देखिए, आपको ओरिजिनल इमेज दिख रहा है लेफ्ट साइड में, कंटिन्यूस इमेज प्रोजेक्टेड टू एन सेंसर अरे, एंड राइट साइड में आपका रिजल्ट ऑफ इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। अप्रोक्सीमेटली सेम है बट नॉट एग्जैक्टली सेम, है ना। तो आप सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन करने के बाद जो इमेज आपको मिलेगी और वो उसके इन्फॉर्मेशन और ओरिजिनल इमेज की इन्फॉर्मेशन, दोनों की इन्फॉर्मेशन अलग अलग है। मतलब कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन का लॉस हो रहा होगा यहाँ पे। ऑब्वियसली पूरा पूरा हम तो सैम्पलिंग किए नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा करोगे तो हो सकता है आपको और एग्जैक्ट इमेज मिले। क्या चीज है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल इमेज, ये रिप्रेजेंटेशन मैं कराऊंगा, खैर यहाँ से देख लो थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखिए, यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन यहाँ से है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन यहाँ से है। तो ये इस तरह से आपका इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका कोई कंटिन्यूस इमेज है ना, और उसको अगर आपको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है तो ये एरे जैसे बनता है यहाँ पे, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी और उस पर आपके वैल्यूज असाइन होंगे, तो उसको बोलोगे आप रिप्रेजेंटेशन। ये देखेंगे हम लोग कैसे होगा। चलिए यही देखते हैं पहले।
व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ मैं, कहाँ से ले। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको ना? ये इमेज है आपके पास, अब इसको मैंने सैम्पलिंग कर दिया। कुछ नहीं दिख रहा है सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्लाइड दिख रहा है सर, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा, स्लाइड दिख रहा है नहीं दिख रहा सर। नहीं सर, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा नहीं। स्क्रीन फिर से शेयर कीजिए सर। फिर से शेयर करो। हेलो, अब दिखा? दिख रहा है अब? यस सर, अब दिख रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक। उसके पहले का सब दिख रहा था ना, फिर कहीं मिस हुआ था। यस सर, अब देखो ये इमेज है, इमेज को मैं सैंपल्ड कर रहा हूँ। है ना, टू डायमेंशन इमेज है। एक और बना लेते हैं यहाँ पे। एट क्रॉस एट का बना। एक करोड़ थी, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा,